हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज करके दो नंबर का एडिशन करा सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर हमें कोडिंग करनी है। सबसे पहले मैं एम्प्टी फाइल लेता हूं, मैंने ले ली है। यहां पर हेडर फाइल हमें लिखनी है हैश इंक्लूड stdio.h। इतनी हेडर फाइल लिखने के बाद यहां लिखता हूं इंट मेन फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। इंट मेन फंक्शन बनाने के बाद यहां नीचे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इंट टाइप का डेटा टाइप लूंगा a, b, ये वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल सम नाम से बना लूंगा, ठीक है। टर्मिनेट करूंगा, एंटर करके नीचे आऊंगा। अब यहां पर इंट टाइप का दो पॉइंटर वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने बना लिया p1, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल बना लिया मैंने p2, ओके। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास पॉइंटर वाले भी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली p1 में p1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी p1 में a का एड्रेस होल्ड करवाना है और p2 में b का एड्रेस होल्ड करवाना है, pt इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लिखा हमने, यूजर को क्या मैसेज दिखाई पड़ेगा, एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन, ओके। तो यहां पे दो नंबर एंटर करने होंगे यूजर को एडिशन के लिए, तो ये मैसेज दिखाई पड़ेगा, यूजर एंटर करेगा। तो यहां परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी, चूंकि दो बार इंटीजर वैल्यू हमने ली है तो दो बार परसेंट डी लिखना होगा हमें, ठीक है। इसके बाद लिखेगा p1 की वैल्यू, यानी एड्रेस ऑफ ए एंड बी हम होल्ड करवा चुके हैं किसमें, p1 और p2 में। तो हमें सिंपली लिखना है p1, p2, ठीक है। तो p1 p2 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब सीधे नीचे आकर के और यहां पर हम डिफाइन कर देंगे कि सम इज इक्वल टू, जो हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू पॉइंटर p1, ठीक है, प्लस पॉइंटर p2, ठीक है। यानी हमने पॉइंटर का यूज करके ये सम कराना है, इसलिए पॉइंटर p1 और पॉइंटर p2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहां पे लिखना है प्रिंट एफ और यहां लिखेंगे परसेंट डी इज द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सम में जाकर के ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहां कॉमा दे देंगे, कॉमा छूट गया है, यहां कॉमा दे देंगे और ये सम में जाकर के वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और यहां पर करेंगे हम इसको टर्मिनेट और टर्मिनेट करने के बाद रिटर्न जीरो, टर्मिनेट फिर करेंगे इसको और यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सब कुछ सही है, आइए इसको सेव करते हैं फाइल को। मैं लिखता हूं pointer.c और सेव करता हूं और चलिए इसको कंपाइल करवा लेते हैं, देखते हैं कंपाइल होता है या नहीं। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब इसको रन करवाने की बारी। तो यहां रन भी हो गया हमारा प्रोग्राम, तो आइए देखते हैं कि दो नंबर्स का एडिशन करके देता है या नहीं। यहां मैंने लिखा है 665, ठीक है, इसमें मैं 7 ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हैं 772 इज द सम ऑफ टू नंबर्स। तो देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से हम ये एडिशन करवा पा रहे हैं। इसके बाद एक बार और इस प्रोग्राम को चलाते हैं और यहां पर कुछ और भी ऐड करके देखते हैं। 55 और 77 को ऐड करते हैं तो यहां पे देखिए 132 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी कि ये एडिशन हो कैसे रहा है, ठीक है। पॉइंटर्स को लेकर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, अगर वीडियोस पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।